हरियाणा में तीसरी बार लगातार सरकार बनवाने के लिए जहां एक तरफ बीजेपी प्रदेश के बीसी वोटरों को अपने साथ जोड़ने के लिए उनके सम्मान समारोह का आयोजन कर रही है, जहां अमित शाह ने आकर सम्मान समारोह में बीसी नेताओं की हौसला अफजाई करने का काम किया, तो दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ही बीसी नेताओं का सरेआम अपमान करने का काम कर रही है। जी हां, आज बरवाड़ा के पूर्व विधायक रामनिवास घुड़ेला के साथ मंच पर बदतमीजी हुई और बदतमीजी भी सीधे तौर पर पूर्व सिंह भूपेंद्र हुड्डा के सामने हुई और उन भूपेंद्र हुड्डा के सामने आई जिन भूपेंद्र हुड्डा को रामनिवास घुड़ेला अपना गॉडफादर मानते हैं। 2009 में बरवाड़ा से विधायक बनने के बाद रामनिवास घुड़ेला हमेशा भूपेंद्र हुड्डा के प्रति वफादार रहे, हमेशा उनकी अगुवाई में काम किया। उन्होंने हुड्डा के लिए कुमारी शैलजा से पंगा लेने का काम किया और इसकी वजह से 2019 में उनकी टिकट भी काट दी गई, लेकिन इसके बावजूद रामनिवास घुड़ेला हुड्डा साहब के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे, लेकिन ये वफादारी उनके काम नहीं आई है। और आज जिस तरह से भरे मंच पर उनका अपमान किया गया, जिस तरह से आज का कार्यक्रम उनसे छीना गया, जी हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि आज दक्ष प्रजापति जयंती के अवसर पर रामनिवास घुड़ेला ने हिसार की अनाज मंडी में अपना कार्यक्रम तय किया था, लेकिन हिसार के नए सांसद जयप्रकाश ने रामनिवास घुड़ेला के हक पर डाका डालते हुए दूसरा प्रोग्राम आजाद नगर में करवा दिया। यानी उन्होंने बड़े नेता रामनिवास घुड़ेला से कार्यक्रम छीनकर छोटे नेता श्रवण कुमार को सौंपने का काम किया। भूपेंद्र हुड्डा ने भी इस मामले में आंख बंद करने का काम किया, जो पूरी तौर पर उसकी गलती कहेगी। रामनिवास घुड़ेला ने प्रोग्राम कैंसिल होने पर भूपेंद्र हुड्डा से शिकायत भी की, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने कोई सुनवाई नहीं की और श्रवण कुमार के प्रोग्राम को हरी झंडी दिखा दी और रामनिवास घुड़ेला को ठेंगा दिखाने का काम कर दिया। जाहिर सी बात है, रामनिवास घुड़ेला को खून का घूंट पीना पड़ा, अपमान सहना पड़ा और मजबूरी में आज उन्हें श्रवण कुमार के मंच पर आना भी पड़ा। लेकिन मंच पर जिस तरह से उनके भाषण में टोका टोका की गई और जिस तरह से भाषण के बाद उनके साथ बदतमीजी की गई, उससे जाहिर हो गया कि भूपेंद्र हुड्डा के खेमे में अब रामनिवास घुड़ेला की हैसियत नहीं बची है, उनका सम्मान नहीं बचा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि रामनिवास घुड़ेला आजकल सांसद जयप्रकाश की आंखों में खटक रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जयप्रकाश ने बरवाड़ा हलके की कमान अपने खासम खास राजेंद्र सूरा को सौंप दी, जबकि वहां की कमान पूर्व विधायक होने के नाते और भूपेंद्र हुड्डा का वफादार होने के नाते रामनिवास घुड़ेला को सौंपी जानी चाहिए थी। अगर रामनिवास घुड़ेला को वो चुनाव की कमान होती तो वहां पर बीजेपी की लीड की बजाय कांग्रेस की लीड होती, लेकिन जयप्रकाश ने घुड़ेला को भाव नहीं दिया, जिसकी वजह से घुड़ेला भी साइलेंट हो गए और इसलिए उनकी कुम्हार बिरादरी के ज़्यादा वोट बीजेपी को चले गए और बरवाड़ा में वहां पर बीजेपी को लीड मिल गई। अब उसी चीज़ की खुंदक जयप्रकाश घुड़ेला से खा रहे हैं और इसलिए उनका अपमान करने का काम किया गया, इसलिए उनके प्रोग्राम को छीन कर श्रवण कुमार को देने का काम किया गया। आज खास बात यह भी है कि जयप्रकाश ने एक तीर से दो शिकार करने का काम किया, एक प्रोग्राम से दो नेताओं का इलाज भी करने का काम किया। जी हाँ, एक तरह से जहाँ उन्होंने रामनिवास घुड़ेला को खुले लाइन लगाया, तो वहीं पर पूर्व मंत्री संपत सिंह के हलके में कार्यक्रम कराकर उनके लिए भी एक नया प्रतिद्वंदी पैदा कर दिया। सभी जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में जहाँ जयप्रकाश ने संपत सिंह को इग्नोर कर अनिल मान को वहाँ पर चुनाव का प्रभारी बनाया, अब उसके बाद अब वहाँ पर वो एक ऐसे दावेदार को पैदा कर गए हैं जो संपत सिंह के लिए नई सिरदर्दी, नई परेशानी साबित होगा। वहाँ पर एक तरफ जहाँ पूर्व आईएएस चंद्र प्रकाश की दावेदारी है, तो दूसरी तरफ अनिल मान बैठे हैं और अब तीसरे श्रवण कुमार आने के बाद अब संपत सिंह के लिए अपने बेटे गौरव संपत को टिकट दिलवाना भी एक चुनौती हो गई है। जयप्रकाश की इस नागवार हरकत के वजह से संपत सिंह नाराज भी हुए, लेकिन भूपेंद्र हुड्डा ने चुनाव में उनको शांत करने का काम किया। लेकिन जिस तरह से एक सोची समझी प्लानिंग के तहत जयप्रकाश ने दक्ष प्रजापति समारोह हिसार की अनाज मंडी में घुड़ेला के प्रोग्राम को कैंसिल करवाकर आजाद नगर में श्रवण कुमार के प्रोग्राम में करवाने का काम किया, उसे जाहिर हो जाता है कि अब हिसार की पॉलिटिक्स में भूपेंद्र हुड्डा के वफादारों को साइडलाइन किया जा रहा है, उनको हाशिए पर डाला जा रहा है और जयप्रकाश अपनी पसंद के चेहरों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। यानी हुड्डा परिवार की सियासत पर अब जयप्रकाश की पसंद नापसंद भारी पड़ रही है। ये भी सही बात है कि आज की तारीख में भूपेंद्र हुड्डा के पास पूरे हरियाणा में बीसी एक टैगरी में रामनिवास घुड़ेला से कोई बड़ा चेहरा नहीं है, उनके पास एक भी ऐसा नेता नहीं है जो बी कैटेगरी के यानी
बीसीबी के वोटरों को उनके साथ लाने का काम कर सके। उनके पास जो गुजर, यादव और सैनी चेहरे हैं, उन्हें इतना दमखम नहीं है कि वो उन बिरादरियों के वोट भी ले पाए। यही वजह है कि बीजेपी बीसी कैटेगरी के 32% वोटों पर लगातार फोकस कर रही है, उनको अपने साथ में लामबंद कर रही है और बीजेपी को 5 सीटें दिलवाने में बीसी वोटरों की बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि जाट सरदारों मुसलमानों के बाद में चमार और वाल्मीकि वोटरों ने बड़ी संख्या में आरक्षण खत्म होने के डर से कांग्रेस को वोट दिया। लेकिन कांग्रेस को सत्ता में आने के लिए बीसी वोटरों की भी जरूरत है और बीसी वोटरों में भी आप मानकर चलिए कि 20% के करीब बीसीए के वोटर हैं और उनके सबसे बड़े नेता के तौर पर भूपेंद्र हुड्डा ने पिछले 14 साल में रामनिवास घुड़ेला को आगे किया हुआ था। लेकिन आज जिस तरह से घुड़ेला के प्रोग्राम को कैंसिल करके जयप्रकाश ने छोटे से कार्यकर्ता श्रवण कुमार को हैवीवेट बना दिया, घुड़ेला के सिर पर बैठा दिया, उसे जाहिर हो गया है कि अब भूपेंद्र हुड्डा भी अपने नेताओं का बचाव नहीं कर रहे हैं, अपने नेताओं को प्रमोट नहीं कर रहे हैं और उनके हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं, जिसके चलते आज रामनिवास घुड़ेला का सरेआम अपमान हुआ और उनके कार्यक्रम को छीनकर बता दिया गया कि ना तो बरवाड़ा में उनकी टिकट है और ना ही उनकी सियासत सुरक्षित है। यानी जयप्रकाश के कारण आज भूपेंद्र हुड्डा की मौजूदगी में रामनिवास घुड़ेला की सियासत चौराहे पर आ गई है और दूसरी तरफ संपत सिंह के सामने भी जयप्रकाश ने एक नया सिरदर्द पैदा कर दिया है और इसी वजह से अब हिसार में हुड्डा कैंप के अंदर भी कांग्रेस में बड़ी गुटबाजी पैदा हो गई है, जो भूपेंद्र हुड्डा के लिए उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा के मुख्यमंत्री बनाने के रास्ते में बड़ी रुकावट साबित हो सकती है। क्योंकि हिसार में जहां एक तरफ कुमारी शैलजा भी एक मजबूत ताकत के तौर पर खड़ी हैं, वो उकलाना से चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे हैं और उन्होंने आज बरवाड़ा में एक पैरेलल समानांतर दक्ष प्रजापति जयंती समारोह में जोरदार हाजिरी की मौजूदगी में ये बता दिया कि वो भी जिले में हुड्डा के बराबर खड़ी हैं। इसके चलते भूपेंद्र हुड्डा के लिए हिसार जिले में ज़्यादा विधायक हासिल करना चुनौतीपूर्ण रहेगा, क्योंकि जयप्रकाश की चलेगी तो वो कमज़ोर प्रत्याशियों को टिकट दिलवाएंगे और ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के प्रत्याशियों को टिकट नहीं मिलेगी, उनकी नेताओं की सियासत खत्म हो जाएगी, जो भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के लिए ही फाइनल नुकसान साबित होगा। हिसार की पॉलिटिक्स में अब रामनिवास घुड़ेला के सियासी भविष्य को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार में जयप्रकाश की मनमानी के अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार में हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच होने वाली खींचातानी के परिणाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। हिसार जिले की 7 सीटों के समीकरणों को समझने के लिए और जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।